नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। बताऊंगी इलास्टिक लगाना जिसे आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, लेगिंग में, प्लाजो में, सलवार में आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो चलिए हम इलास्टिक को लगाना शुरू करते हैं। जब हम इलास्टिक लगाते हैं, हम जो भी इलास्टिक लेंगे, 1 इंच का लेंगे या 1.5 इंच का, जो भी इलास्टिक आप लेना चाहते हैं वो आप इलास्टिक लेंगे। तब आप मार्जिन रखेंगे, तो मार्जिन कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 1 इंच का इलास्टिक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने का हमारा ये तरीका रहेगा। अब आपने इलास्टिक कैसे लेना है ये देखिए, जितनी भी आपकी वेस्ट होगी उससे हमने 4 या 5 इंच इसमें हमने माइनस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, जितनी भी आपकी वेस्ट होगी उसमें से आपने 4 या 5 इंच माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर 36 हमारी वेस्ट है, इसको हम माइनस करेंगे तो हम 31 लेंगे और यहाँ पर 31 लेकर हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। इलास्टिक को हमने कट कर लिया है, जितनी भी आपकी वेस्ट होगी उससे 4 या 5 इंच आपने माइनस करना और इलास्टिक को कट कर देना है। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये हमारा क्रॉच एरिया है, ये हमने सिल लिया है, ऐसे ही क्रॉच एरिया हमने यहाँ इसको सिल लिया, ये हमारा दोनों साइड से राइट साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब देखिए इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1/2 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसमें हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम अपने इलास्टिक को रख कर देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने, ये देखिए इतना हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से लेते हुए जैसे हम सलवार में नेफा बनाते हैं सेम ऐसा ही हमने इसको यहाँ से ऐसा फोल्ड करेंगे और गोलाई में फोल्ड करते हुए इसे हम सिलेंगे और यहाँ से इतना सा हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए इतना पोर्शन, अब इसको मैं रेडी कर कर इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसे हमने यहाँ से स्टिच कर दिया और यहाँ से हमने एक साइड से इसे ओपन रखा। अब हम एक बड़ी सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन से हम इसको, ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर करेंगे इसको, ये देखिए। और हमारा इलास्टिक यहाँ से सीधा आना चाहिए, इस तरीके से ऐसे मुड़े ना, इसका ध्यान रखना आपने, और इसको गोलाई में इसी तरीके से करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इलास्टिक को हमने डाल लिया है और पिन हम निकाल देंगे, एक दूसरे के ऊपर हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम 2-3 बार स्टिच कर कर इसे हम पक्का करेंगे। आपने ये ज़रूर ध्यान देना है कि हमारा इलास्टिक जो है वो सीधा डले, बीच में से जो है वो मुड़े ना, मुड़ेगा तो इलास्टिक हमारा ठीक नहीं डलेगा। ये देखिए, तो हमारे को ये चेक ज़रूर करना है यहाँ से हमने स्टिच करने से पहले। अब यहाँ पर स्टिच कर कर इसे हम कम्प्लीट करेंगे, देखिए सिलाई लगा कर इसे हमने, ये देखिए फिक्स कर लिया है। अब इसको हम अंदर कर देंगे इलास्टिक को, देखिए हमारा इलास्टिक अंदर चला गया, इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ से स्टिच कर कर इसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा ओपन पार्ट था, इसे हमने स्टिच कर कर इसे कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए हमारे गैदर कहीं पर कम है, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर ये कम है, ये देखिए। अब इसे हमने एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करना, आप इसे पहले हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए जहाँ पर आपको कम लगे आप इसे एडजस्ट करें। अब यहाँ से देखिए दोनों साइड से आप ऐसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे खींच देंगे, देखिए ये देखिए इस तरीके से, और ये अपने आप ही, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने कुछ नहीं करा, ये देखिए ऐसे ही आप 2-3 बार इसको ऐसे करेंगे, पूरा खींचेंगे और फिर इसे लूज़ करेंगे। ऐसे करने के बाद ये देखिए आपके ये गैदर्स, अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, जिस पर हम एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ लगाएंगे, यानी 2 सिलाई हम लगाएंगे। वो सिलाई कैसे लगाएंगे तो चलिए मशीन पर करेंगे। अब हम जहाँ पर हमारा इलास्टिक है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसमें हमने क्या करना है, मशीन को सेट करना है। जितना भी मैक्सिमम बड़ा स्टिच है आप उस स्टिच पर इसे सेट कर लेंगे अपनी मशीन को, फिर उसके बाद आप इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा आसन है, क्रॉच एरिया, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हल्का सा इसको ऐसे करेंगे और बड़ी सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए एक साइड से यहाँ से हम खींचेंगे और पीछे की साइड से हमने इसको बिल्कुल, ये देखिए इक्वल करना, बिल्कुल सीधा करना, हमारा कोई भी यहाँ पर गैदर्स नहीं आने चाहिए इस तरीके से। अब क्या होता है, कई ऐसे पूछते हैं कि
मशीन तब हम चलाते हैं तो हमारी जैसे हाथ की ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसको हम चलाते हैं तो हमारे दोनों हाथ फ्री होते हैं। और हाथ की मशीन में उसमें हमारा हाथ, एक हाथ हमारा मशीन चलाने के लिए होता है, दूसरा हाथ से हम इसमें काम करते हैं। हम पीछे से हम कैसे खींचें, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं इसको चलाने के लिए, मशीन आप उसकी हेल्प से मशीन चलवाएंगे और आप दोनों हाथों से इसको पीछे से ऐसे खींचेंगे और आगे से हम इसको इस तरीके से खींचेंगे। तो आप किसी की हेल्प लेकर भी आप इसको लगा सकते हैं। कि अब इसे हम लगाएंगे कैसे, ये ऐसे हम सीधा रखेंगे, पीछे से हम इसको खींचते जाएंगे, ये देखिए ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बस आपने पीछे से खींचना और आगे से अपनी साइड खींचना। हम खींचते इसलिए ताकि हमारा इलास्टिक जो है वो आसानी से लग सके। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो हमारा इलास्टिक जो है वो सही नहीं पड़ लगेगा। ये देखिए इसी तरीके से करते हुए हम फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने फुट को ऊपर करना है और यहाँ पर जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप उसे एडजस्ट करेंगे और सेम ऐसा ही आपने रिपीट करना है। ये देखिए ऐसे ही हम उसको खींचेंगे और यहाँ पर हमने ये देखिए इसको इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, पीछे से हम खींचेंगे और आगे से हम मशीन को कपड़े को खींचेंगे और इसी तरीके से और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इलास्टिक लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये इलास्टिक लगाए और ये देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।